चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। नवदुर्गा महोत्सव के उपलक्ष्य में ईशानेश्वर मंदिर प्रांगण में तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। बस कल सुबह 11 बजे कलश स्थापना का कार्यक्रम होगा नवदुर्गा माँ की कृपा से। यहाँ श्रीमद् देवी भागवत नवचंडी यज्ञ होगा। माता रानी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो, ऐसी पावनमयी प्रार्थना की जा रही है। तैयारियाँ हो रही हैं, ऐसी माँ भगवती नव रूपों में यहाँ पर विराजमान और तैयारियाँ देख रही हैं, देख रही है माता अपने आँख के तारों का रास्ता, देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऐसी माँ भगवती जगणी पराम्बा दर्शन देने के लिए तैयार हैं। ऐसे पावन में दिव्य क्षेत्र में, और उसके लिए हम लोग यही विनती करते हैं, भगवान शक्ति प्रदान करें माँ भगवती के साथ में। यह पावन महोत्सव शारदीय नवरात्रि का ईशानेश्वर मंदिर प्रांगण में हो रहा है। तेरा प्यारा सजाए दरबार भवानी, तेरा प्यारा सजाए दरबार भवानी, भक्तों की लगी है पका कतार भवानी। ऐसा ईशानेश्वर मंदिर प्रांगण में यह दिव्य महोत्सव हो रहा है। 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आप सब पधारिए। ऐसे अवसर पर रोजाना 6 बजे से 7 बजे तक यज्ञ होगा, 7 बजे से 8 बजे भजन कीर्तन, और 8 बजे से 9 बजे तक कथा, 9:15 तक ये रहेगा। साथ में विशेष कार्यक्रम और भी रहेगा। शनिवार को षष्ठी पूजा होगी, जो विद्यार्थियों के लिए माँ भगवती शारदा कृपा करें ज्ञान शक्ति प्राप्त हो, ऐसी सरस्वती माँ की पूजा। और कन्या पूजा थर्सडे यानी 10 अक्टूबर को होगी, और पूर्ण आहुति 12 तारीख को होगी सायकाल 4 बजे से। इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और भी अनेक कार्यक्रम दिव्य हैं, जिसमें माँ सरस्वती पूजा भी होगी, उसके अलावा जैसा आप जानते हैं लक्ष्मी पूजा भी होगी। अनेक चरित्रों के साथ ये कार्यक्रम होगा। रोजाना के भोग किस प्रकार से रहेंगे यह भी बताया गया है। इसी प्रकार से भोग लेके आएंगे पूजा अर्चना में। देवी कौन सा भोग होगा, पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होगी, घी का भोग रहेगा, ड्रेस येलो रहेगा। ऐसे दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी, शुगर का भोग लगेगा यानी चीनी का भोग, ग्रीन यानी कि हरे कपड़े का वस्त्र धारण करने का प्रयास करेंगे, पहन करके आएंगे। तीसरे दिन चंद्रघंट का, जिसमें दूध का भोग रहेगा, ग्रे कलर होगा। इसी प्रकार से चौथे दिन कुष्मंडा देवी मालपुआ का भोग रहेगा, ऑरेंज कपड़े पहनेंगे। पंचमी को स्कंद माता केला का भोग लगेगा और व्हाइट कपड़े पहनेंगे। इसी प्रकार से षष्ठी को कात्यायनी शहद का भोग लगेगा, इसमें रेड कपड़े पहनेंगे। इसी प्रकार सप्तमी को कालरात्रि, इसमें अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण होंगे और रॉयल ब्लू भोग रहेगा, इसमें गुड़ का भी भोग रहेगा, गुड़ विशेष रूप से। अष्टमी को माँ भगवती माँ गौरी के रूप में रहती हैं,
और जो नारियल से बहुत पसंद होती है, कोकोनट का वो रहेगा, पिंक उस समय कपड़े का ड्रेस कोड रहेगा। नौमी को शिवदात्री हैं, तिल से बने हुए सामग्री और अनेक प्रकार के नैवेद्य पकवान इस सब का भोग रहेगा, पर्पल कलर रहेगा। इस प्रकार से ये सार्वजनिक कार्यक्रम हमारे यहाँ रहेंगे, आप सभी उसमें आने की कृपा करें और जहाँ सहयोग बने वहाँ तन मन से सहयोग करें, कथा श्रवण करें, लाभ लें। विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और दे सकते हैं 5758-3309 मंदिर के प्रधान जी श्रीमान राजेश सुकुन जी, 5753-2699 मंदिर के ट्रेजर माता श्री मती आरती जोखू जी, कार्यक्रम प्रभारी 5758-6955 श्रीमान राज संटक जी। इस प्रकार से इन सब से आप संपर्क भी कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, दे सकते हैं और आइएगा, पधारिएगा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माँ भगवती आप सबको बुला रही है, आइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु।